मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो नया दिन, नई शुरुआत, नया व्लॉग, और आज है हमारा डे टू और हम जा रहे हैं डेथ वैली, ठीक है, जो कि है फरीदाबाद में, और वहाँ के खूबसूरत नज़ारे। और सुबह के बज रहे हैं 6:45, मतलब के 5:45। तो हम जा रहे हैं, वी आर ऑन द वे एंड वी आर अबाउट टू रीच। इट्स 12 मिनट अभी फ्रॉम दिस लोकेशन, एज यू कैन सी 12 मिनट की ड्राइव बची है, तो हम 12 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। और उसके बाद आपको मिलने वाला है एक सरप्राइज, क्योंकि एज यू नो दैट वी आर डूइंग ऑल्सो द मोटो व्लॉगिंग एज वेल। तो सारे लोग वहां पे आ रहे हैं और हम आज मोटो व्लॉग भी शूट करेंगे, ठीक है। तो एक मोटो व्लॉग भी होने वाला है और अपना व्लॉगिंग तो चालू है, और वी आर ऑन द वे। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे डेथ वैली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है, और जल्दी से हम मिलेंगे आप लोगों को थ्रोटल श्रोटल, ठीक है, गुड़गांव, क्योंकि हमारा नेक्स्ट लोकेशन वही है। तो वी आर ऑन द वे, और आई होप यार वीडियोज़ आपको अच्छी लगे और आपका सपोर्ट मिले बहुत ज़्यादा। एंड यार आई होप फॉर द बेस्ट एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल कम ऑन द वे, ठीक है। तो भाई लोग मिलते हैं आपको सीधे डेथ वैली। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं डेथ वैली। भाई रास्ता इजी नहीं है, क्योंकि जो गूगल पे दिखाएगा ना वो तो रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। आप जो गूगल पे दिखाएगा उससे आप आएंगे, सीधे चलते रहना, ओमेक्स टावर आएगा, ओमेक्स टावर से आप रेड लाइट आएगी, रेड लाइट से आपको लेना है राइट, राइट लेके थोड़ा सा अंदर जाओगे 50-60 मीटर, उसके बाद लेफ्ट लेना है। कच्चा रास्ता है बहुत ज़्यादा, मैं अभी आपको वीडियो में दिखा दूंगा किस तरह। अभी जाते हुए हमने, मतलब आते हुए हमने वीडियो नहीं बनाई है, बस जाते हुए मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ से थोड़ा सा रास्ते का रुख। ये कुछ इस तरीके से रास्ता रहा है, कच्चा रास्ता, जो कि अभी भी गूगल मैप पर नहीं है, ठीक है। लेकिन हम फाइनली पूछ पूछ के लोगों से यहाँ तक आ गए हैं। इतनी सुबह सुबह 6:30 बजे पहुँचे, मैंने आपको बताया था कि हम 6 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे, बट हमें आधा घंटा लग गया, क्योंकि 10 से ऊपर हमने स्पीड पर गाड़ी चलाई नहीं, क्योंकि आपको पता है गाड़ी बहुत ज़्यादा डाउन है, वो हल्के से भी लग सकती है। तो भाई एक बार इधर का नज़ारा देख लो भाई, उधर आ जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदर है, ठीक है, चढ़ जाएंगे। अभी बंदर एक मेरा गाड़ी पर चढ़ गया बच्चा, तो मैंने गाड़ी वहाँ से हटा के सीधा इधर ले गया हूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ड्रोन से कि भाई कितना बढ़िया यहाँ का नज़ारा है, और भाई मज़ा तो पूरा आ रहा है। मंदिर की स्थापना भी हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है, गाय भी है, और इधर का आप देख सकते हैं पूरा भाई एरिया, बहुत ही फ्रेश एयर है यहाँ पे सुबह ही सुबह। तो एक बार आप ड्रोन से चेक करो सारी चीज़ें और बताओ मेरे को। तो गाइस देख सकते हैं आप नज़ारे कितने, मतलब कितना औसम व्यू है यार, सुबह सुबह का व्यू अलग ही लेवल का मज़ा है भाई। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा बंदर यहाँ पे कितने ज़्यादा हैं यार, अलोट। इसे इसलिए डेथ वैली नहीं कहा जाता भाई, देख रहे हो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भाई वाकई में कोई मरने वाली जगह है, लेकिन भाई अलग ही लेवल का मज़ा है भाई, सीरियसली। देख रहे हो पानी, अलग ही सीन है भाई, अलग ही सीन, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और एक बार मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 360 लेके तो आपको सब चीज़ दिख जाएगी कि कितना अलग ही यहाँ का माहौल है, और पॉल्यूशन तो बिल्कुल भी नाम को नहीं है, ठीक है। एक बार देखो आप व्यू, चेक करो चारों तरफ हरियाली है, और जिस रास्ते से हम आए हैं ना भाई, बहुत ही इतना ख़तरनाक रास्ता है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ऑफ रोडिंग मेरी हो गई यहीं पे। अभी तो मैं लद्दाख भी नहीं पहुंचा, बट लग रहा है कि भाई ऑफ रोडिंग स्टार्ट होगी। ये देख रहे हो आप रास्ता जो है, ये वही रास्ता है, और ये मंदिर, अभी हम जाएंगे इस रास्ते से, ठीक है। हमारी गाड़ी खड़ी हुई है जैसे कि आपको दिख रही होगी, और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कितने ज़्यादा मंदिर हैं यहाँ पर यार। जूम इन करके दिखाते हैं आपको, देखो कितने बंदर है भाई, बहुत ही बंदर है। और एक बार हम 360 मंदिर का ले लेंगे चल के एक राउंड ऑफ,
मंदिर के पास भी देखो, देखो कितना बढ़िया लग रहा है, पानी वगैरह लेक सी बनी हुई है। तो भाई ये देखो, अभी हम इसको करेंगे 360 वाला, हम रोटेशन मारेंगे इस पे। और व्यू चेक करो यार, भाई लोग मजा आ रहा है ना। वैसे इजी से बहुत ज्यादा अच्छा है यार DJI, इसके लिए भाई इसकी क्वालिटी ही अलग है, स्टेबिलिटी क्वालिटी सब चीज बहुत डिफरेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट। तो गाइस हम आज का हमारा यहाँ शूट तो हो गया है, ठीक है, डेथ वैली का। आप अपनी फैमिली को लेके आओ, वैसे बंदर वगैरह को परेशान नहीं करते, मुझे डर लग रहा था। तो हम लोग क्या करने वाले, हम सीधे चलेंगे अपने दूसरे रूट की तरफ, जहाँ हमारे सारे बाइकर्स हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। और आपको मैं रूट दिखाता हूँ कितना गंदा रूट है, तो भाई देखभाल के आना, ठीक है। तो गाइस चेक करो रास्ता, इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं। अवॉइड करना इस वॉइस को, क्योंकि मेरा ये डैश कैम लगा हुआ है तो ये बोलता ज्यादा है। तो रास्ता देख लो भाई कैसा है, बट लोकेशन बहुत ओके है और लोग बाग भी रहते हैं इधर की तरफ। तो मैं आपको वही गड्ढे दिखाऊंगा जो ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। भाई इतना भी खराब रोड नहीं है यहाँ पे, मतलब थोड़ा जगह पे आपको खराब मिलेगा, बट जहाँ पे ज्यादा खराब है वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा स्पॉट, ठीक है। यहाँ तो इजीली कोई भी गाड़ी आ सकती है, जब मेरी गाड़ी आ गई तो भाई आप सेडान लाओ और चाहे SUV लाओ या फिर अपना हैचबैक लेके आओ या कोई भी मिनी कार लेके आओ, इजीली आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जब मेरी गाड़ी आ गई है तो आपकी गाड़ी तो बहुत इजीली आ जाएगी। बट हाँ, सुपर कार्स को नहीं कह सकता भाई, फरारी लैम्बो इनको नहीं कह सकता। ये देखो भाई, यहाँ से मैंने चढ़ाई है गाड़ी, ठीक है ना। अब मैं इसको यहाँ से उतार भी रहा हूँ, ठीक है। तो अल्लाह के शुक्र से क्लियरेंस बिल्कुल सही आया है। और अब यहाँ से हम निकालेंगे, अभी आगे बहुत गहरा गड्ढा था एक, आपको जाते टाइम तो गूगल दिखा देगा भाई रास्ता, ठीक है। जहाँ हमें जाना है वहाँ की लोकेशन मैंने डाली है, तो जाते हुए तो रास्ता दिखा रहा है भाई, आने का रास्ता नहीं दिखाएगा ये। तो मैं आपको ना एक पॉइंट लोकेशन यहाँ पे आपको मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आप इजीली आ जाओगे गूगल पे मैप डाल के, ठीक है। तो मैं यहाँ से बस निकल जाऊँ, तो आपको बस सीधा सीधा आना है, मैं यहाँ पे आपको डाल देता हूँ। देखो ये सामने OMX टावर दिख रहा है आपको, यही OMX टावर है, ठीक है। और ये देखो रास्ता भाई, यहाँ है ये खतरनाक चीज़। गाड़ी की ऑफ रोडिंग हो रही है हल्की हल्की, तो मैं आपको ना यहाँ पे मतलब पिन लोकेशन डाल देता हूँ, जो आपके लिए इजीली एक्सेसिबल रहेगा यहाँ आने के लिए, क्योंकि
क्योंकि अगर आप गूगल मैप डाल के आओगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप रास्ता भटक जाओ। तो मैं आपको एक पिन लोकेशन डाल देता हूँ, नीचे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। साफ कितना खतरनाक रूट है, देखो यार गाड़ी ऐसे चल रही है झटके मार मार के। तो भाई ये देख लो गड्ढा कितना खतरनाक है, अब यहाँ से गाड़ी हमें निकालनी है। रास्ता ही खराब थोड़ा सा, तो यहाँ से हम सीधे चल जाएंगे। बस यहाँ तक का जो रास्ता है वो खराब है, अब हम सीधे मिलेंगे आपको थ्रोटल श्रोटल। हम आ चुके हैं साइबर हब, एक बार मैं आपको पूरा लुक अराउंड करा देता हूँ। भाई इतना अमेजिंग व्यू है यहाँ का, यहाँ पे आप काफ़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखोगे, ठीक है, जो कि साइबर हब के अंदर है। और यहाँ पे भाई आप ऐसा फील करोगे जैसे यू आर इन फॉरेन। तो एक बार मैं आपको पूरा लुक अराउंड कराता हूँ, दिखाता हूँ थोड़ी बहुत चीज़ें। ये देखो भाई इधर की तरफ ये डिकैथलॉन का पूरा स्पोर्ट मतलब प्ले ग्राउंड बना हुआ है इधर की तरफ, और यहाँ पे आपका लुक सैलून आ जाता है। और ये अजय चोपड़ा शेफ उनका ये फ्रेंड है, यहाँ पे ये सब चीज़ आ जाती है, खाने की खान चाचा चाय पॉइंट एक्सेट्रा। और यहाँ पे भाई अगर आप आते हो तो आपके लिए सिटी का अरेंजमेंट एक बार ऊपर चल के देख लेते हैं कैसा सिटी का अरेंजमेंट है, कम्फर्टेबल है या नहीं है, ठीक है। तो मैं कभी आया नहीं हूँ इस जगह पर, पहले मैं थोड़ा मतलब जहाँ पे कैफेटेरिया वगैरह है ऊपर मैं वहाँ पे बैठा हूँ, बट इधर कभी नहीं आया। तो यहाँ पे देखते हैं भाई बहुत अच्छा अरेंजमेंट है बैठने के लिए यहाँ पे, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्डिंग्स, और इधर भाई वीवो का चल रहा है सेटअप वगैरह। और ये भाई घूमने वाली कुर्सियाँ आई, घूमेंगे घूम, ठीक है, आराम से बैठो। और भाई इधर ही आ गया पुराने थीम के साथ, अरे वो बुढ़िया के बाल बुढ़िया के बाल है भाई, बुढ़िया के बाल लग रहा ना, खाए ना, क्या कहते हैं कैंडी फ्लॉर्स, ठीक है, कैंडी फ्लॉर्स बुढ़िया के बाद हम लोग कहते थे बचपन में खाते थे, बिल्कुल वही कलर है, देखो है ना, ऐसे लग रहा है ना। हाँ हाँ, तो भाई इधर आ जाते हैं। और भाई इधर इतना अच्छा एरिया था यहाँ पे, अभी अभी जिधर से हम आए हैं उधर की तरफ मैं आपको पूरा दिखाऊँगा। तो इधर की तरफ चलते हैं, फिर उधर से होते हुए हम सीधे निकलेंगे पानीपत की जगह पर, ठीक है, खाना वाना खाएँगे, मूर्छा घूमेंगे और मज़ा आएगा पूरा भाई, खाना वाना देखेंगे, कुछ पराठे वराठे तोड़ेंगे सही से, ठीक है। इधर आप देखो भाई कितना अभी शांति, इसलिए कि हम बिल्कुल सुबह ही आ चुके हैं, कि अगर हम दोपहर में आते तो रश वगैरह मिलता ज़्यादा, तो हम सुबह ही आ गए तो आपको इतना रश नहीं दिख रहा, क्योंकि आज वैसे भी वीकेंड है, संडे है आज, तो बहुत ज़्यादा रश होने वाला है, इसलिए हम सुबह ही होके निकल जाएंगे। अभी सफाई वगैरह चल रही है यहाँ पर, आप देखो भाई टैको बेल, मुझे इसका मील अच्छा लगता है, वैसे टैको बेल अच्छा लगता है। ऑब्वियसली होगी, ठीक है, आप गर्मी में पूरे मजे ले सकते हो यहाँ के,
अरे नाइकी है यहाँ पे यार, तो चप्पल अप्पल यहीं से ले लूँगा, वो खुल जाएगा। और डिकैथलॉन से हम एक टेंट वगैरह ख़रीदना है हमारी आगे वाली ट्रिप के लिए, तो इधर से दिखा दो एक बार। फिर उधर से हो गया, इधर आगे चाय हाउस आ जाएगा, चाय हाउस इधर डिकैथलॉन, इधर लिवाइस, हम आ जाते हैं इधर कितना, इधर से ले लेते हैं यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस में। अभी हम नाइकी में जाएंगे भाई चप्पल वगैरह खरीदने। मेरे को चप्पल मैंने ऑर्डर किए थे लेकिन उनका साइज़ बड़ा आ गया, तो अब मुझे यहाँ से लेना है। और यहाँ भाई एप्पल स्टोर भी है, और ये देखो भाई बहुत बढ़िया है, मैं ऊपर बैठ के खाता था जब अपना आता था पहले के टाइम पर उधर की तरफ। और भाई क्रोम बुक पर देखो एक बार, हाउस देखो यहाँ पर कितना बढ़िया लग रहा है, गूगल क्रोम बुक ऐसा लग रहा है झोपड़ी बनाई है छोटी सी। भाई बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस मूर्थल में एंट्री हो चुकी है अपने, और यहाँ पे आपको मिलेंगे खाने के नई नई शॉप्स, और भाई बहुत बहुत बड़े होटल्स और ढाबा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, गोल्डन हर्ट इधर ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं गोल्डन हर्ट रियल पंजाबी ढाबा, ठीक है। और आगे आपको बहुत सारे ढाबा मिलने वाले हैं, एज यू नो दैट वेरी फेमस ढाबा और अमृत सुखदेव और नीलकंठ। भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, नीलकंठ का खाना बहुत अच्छा है भाई, नीलकंठ स्टार जो है मूर्थल से उससे पहले पड़ता है अमृत सुखदेव से, ठीक है। और आपको भी यहाँ पे वो भी मिल जाएगा, क्या नाम है, गुलशन मिल जाएगा, गुलशन है, हवाई अड्डा है, बहुत सारे हैं, मैं आपको भी थोड़ा सा दिखाऊँगा आगे चल के, ठीक है। बट खाना भाई एक नंबर होता है, जैसे कहते हैं ना प्योर मतलब पंजाबी खाना वो होता है भाई, ये इतना सारा मक्खन इतना सारा और पराठों के ऊपर अलग ही मौज आती है। तो सीधे चलते हैं भाई अमृत सुखदेव और वहाँ पे चल के खाते हैं कुछ थोड़ा बहुत, क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज़, और 1:30 बज गया है अभी, तो मज़ा आ रहा है भाई अल्लाह के शुक्र से। तो भाई आ चुका है गुलशन, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं गुलशन है, उसके आगे हवाई अड्डा है, और यहाँ पे मतलब बहुत सारे हब हैं खाने के, और काफ़ी लोग आप लोगों में से जानते भी होंगे सबको कितना बड़ा हब है यार ये खाने का, तो हर गाड़ी यहाँ रुक के ज़रूर जाती है और खाने, क्योंकि भाई खाना तो लोगों की बेसिक चीज़ है तो खाएंगे ही, बट भाई रुकते हैं। भीड़ दिखाऊंगा आपको, गुलशन पे भीड़ इतनी है, और यहाँ पे ऐसा कोई सा ढाबा नहीं होगा जिस पे भीड़ ना हो, ठीक है। आप जो ढाबा देखोगे ना, देखो इधर झिलमिल है, झिलमिल पे भी इतनी भीड़ है, ठीक है। आगे अभी पड़ेगा एक और ढाबा पड़ेगा आगे, उस पर भी आपको इतनी भीड़ मिल जाएगा, तो एक एक करके दिखाऊंगा थोड़े थोड़े ढाबे, भाई आओ विजिट करो। वैसे तो मुझे सबसे अच्छा खाना मिलता है अमृत सुखदेव और नीलकंठ स्टार का लगता है, गुलशन का मैंने कभी खाया नहीं है, तो मैं तो भाई उसी चीज़ को रिकमेंड करूँगा जो मैंने खाया है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है, मज़ा आता है भाई। तो सीधे मैं आपको दिखाता हूँ नीलकंठ स्टार, देखो वहाँ से यहाँ से दिख रहा है नीलकंठ स्टार, उससे पहले हल्दीराम है, उसके बाद आपका पड़ेगा आपका अमृत सुखदेव। भाई यहाँ पे कोई ढाबा ऐसा नहीं होगा जिसको भीड़ ना हो, सब पे पड़ेगा। तो आगे चल के दिखाते हैं, तो गाइज आ चुका है नीलकंठ स्टार, ठीक है। भाई बिल्डिंग देखो बहुत प्यारी है, ये हवाई अड्डा जिसके बारे में बता रहा था आपको, प्लेन में बैठ के खाने का मज़ा लेना था वो भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है, पूरी वाइब देगा ये भी। आगे ये देखो भाई, इस पर भी इतनी ही भीड़ है भाई, हमेशा इतनी ही भीड़ मिलती है। और हम जा रहे हैं अमृत सुखदेव की तरफ, तो गाड़ी से हमें ऐसे नीचे टर्न लेना पड़ेगा, ठीक है, शायद अगला वाला टर्न है यही, लेकिन मैं यहीं से भाई। तो भाई आ चुके हैं हम लोग, ये आ गया रंगोली, और उसके आगे अपना ये अमृत सुखदेव, और उसके आगे आपको मिलेगा गरम दरम, तो धर्मेंद्र पाजी का है, ठीक है। अरे पागल है कौन है, तो भाई यहाँ देख लो भीड़ तो यहाँ पे तो प्रॉपर भीड़ मिलेगी आपको, ये देख आगे वाली पार्किंग भी है अभी, यहाँ देखो इतना रश रहता है भाई अमृत सुखदेव हमेशा।
और आपको संदूक में से आयान निकल के दिखाई देगा कि कितनी बिगड़ा है। तो गाइस यहाँ पे इतनी भीड़ ही रहती है, देखो अभी इधर लगी हुई है गाड़ी में, दूसरी वाली पार्किंग में लगाया गया है उधर की तरफ, और इधर बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, अंदर तो रश ही रश होगा बहुत ज़्यादा। तो अंदर की तरफ चलते हैं हम लोग। भाई लोग माहौल चेक करो, यहाँ पे भरा पड़ा है भाई हर जगह हाउस को। अब हम थोड़ा बहुत खाएंगे फिर निकलेंगे यहाँ से आगे की तरफ। गाइस हम आ चुके हैं करना लेक के ब्रिज के ऊपर, ये देखो नज़ारा एकदम खास नज़ारा है, क्योंकि वहाँ पर रास्ता बंद था तो हमें यू टर्न लेके दोबारा आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे ब्रिज का काम चल रहा है। लोग यहाँ पे काफ़ी हैं के लिए ये सब चीज़ें। देखो एक बार इधर की तरफ देखो, ये बोटिंग भी हो रही है भाई, बोटिंग भी करेंगे आज भाई, लाइफ में पहली बार बोटिंग भी करेंगे भाई, बोटिंग भी करेंगे। लेकिन आपके पास तो कैश है ही नहीं, चलो भाई थोड़ा थोड़ा कैश डाल दो यार, ठीक है थोड़ा थोड़ा कैश डाल दो भाई। अरे यार मजाक कर रहा हूँ भाई, लोग बस UPI तो चलेगा हर जगह। तो गाइस अब गाड़ी करेंगे हम इधर पार्क और देखते हैं भाई कि अंदर जाने का सिस्टम किधर से है। तो उधर बोट्स खड़ी हुई है शायद, है यार उधर बोट्स खड़ी हुई है भाई, कितना अलग ही लेवल का। तो गाइस इधर है ये सब चीज़ें बोट वगैरह, और भाई ये देखो इतने से उसमें टपरी में भाई डोमिनोज, ये चटोरी दिल्ली, और उधर लिखा भाई चांदनी चौक टू चाइना, बट मेरे को समझ में आया ना तो हम चलेंगे एंट्री लेंगे उधर से, फूड कोर्ट है तो यहाँ से टिकट वगैरह लेना पड़ेगा, वहाँ पर कूलर भी लगा हुआ है तो सीधे वहाँ पहुँचते हैं, बोट में बैठते हैं और ड्रोन शॉट लेते हैं। तो भाई ये ले ली हमने 300 रुपये की पर्ची, UPI चलता है वैसे यहाँ पे, और सबसे खतरनाक बता बताया क्या है भाई, 300 रुपये में मिलेगी ये गाड़ी दो जनों की, ठीक है ये लगी हुई है रेट लिस्ट, 2 सीटर वाला 300, 4 सीटर वाला 400, 5 सीटर वाला 600, 6 सीटर वाला 700, और ये पैडल बोर्ड्स हैं सारी, तो पैडल बोर्ड्स में मारने पड़ेंगे अपना पैडल, और भाई अपने टाँगों को तकलीफ देनी हो तो भाई यहाँ आ जाओ ठीक है, तो तकलीफ दो खूब और चुल्ला, ये ताऊ देंगे बोट निकाल दो। ताऊ कौन सी वाली गाड़ी निकाली है, 2 सीटर ये लम्बे मिलिए, 2 सीटर लैम्बोर्गिनी, ठीक है ये मैं ताऊ लैम्बोर्गिनी है, हाँ लैम्बोर्गिनी, ताऊ भी यही कह रहे हैं 2 सीटर लैम्बोर्गिनी, ठीक तो जल्दी से ताऊ कह रहे हैं बैठो एकदम फटाफट टाइम को, ठीक है हाँ ये तो खतरनाक है मैं नहीं नहीं बैठ चलो 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 ना तो तू चला ले मैं चला लू, अबे यार ही क्या बैठ गए, देखिए तकलीफ ही देनी है टांगों को अपने भाई, ये हैंडल इससे मोड़ ली इधर गाड़ी, ये स्टीयरिंग है इसका, अरे अबे यार हल्के चला टांगों तकलीफ मत दे यार, मैं तो यहाँ रखूँ पैर तू चला ले, और हम चलेंगे कहाँ, हम लेंगे सेंटर में है ना, और भाई उड़ाएंगे जैसे ऐसा ना हो ड्रोन है हो जा पलटी बाद में लेंगे भाई, भाई बाहर निकल के लेंगे, बहुत देखे ऐसी वीडियो बहुत सारी देखी मैंने कि ड्रोन तो गायब ही हो गया छट्टे पानी में, कभी हो जा पूरे उसका टूर का शूट, तो भाई ज़्यादा तंगा पंगी ना करनी है, ऐसे ही ले लेंगे लेंगे, उड़ा भी लेते कौन सी दिक्कत है, बेबा उड़ गया तो उड़ गया, ऊपर रख के हैं वहाँ वहाँ रख के चला लो, यहाँ रख दूँ ऊपर छत पे, देखा रिस्क लेके भाई, रिस्क है तो इसके ठीक है, अगर मेरी तरह क्या है रिस्क से इसके तो लगा लो डुबकी है? लगाते हैं चल लगाते हैं भाई ड्रोन खोलो। तो गाइस देख लो अयान मोटा हमारा यार क्या ले पसीने में तर तर, अरे यहाँ भाई साहब जबरदस्ती टांगों को तकलीफ दे रही हूँ मैं, सच बता रहा हूँ भाई साहब, अगर किसी को आना है ना तो
गर्मी में मत आना प्लीज, क्योंकि भाई हालत टाइट हो जाएगी। और देखो टांगे अपना आप सेल्फ पैडलिंग है भाई, सेल्फ पैडलिंग, और ये घुटने जाम कर देगी। तो भाई भाई पसीना, गर्मी में मत आना भाई, गर्मी में मत आना, ठीक है ना। ये देखो मेरी बोट के पीछे दिख रही है बोट, ये भाई लड़की लड़कों के लिए स्पोर्ट बढ़िया है। ये देखो दिख गया छेद में, ये रेयर मिरर है, इसमें तगड़ा वाला सब कुछ दिखाता है, ये है ना। तो भाई लड़की लड़कों के लिए बढ़िया स्पोर्ट है, ठीक है ना। तो जो भी करनाल में रहता है आ जाना यहाँ भाई, बढ़िया। जो आप यहाँ पे आते हो, ये पागलपंती बरसाते हो, ये कुछ मतलब है इस चीज़ का है? ये अकल बिल्कुल नाम की चीज़ है ही नहीं कि नेचर को बर्बाद करने पे लगे पड़े हो, दुनिया साफ करने पे, तुम बर्बाद करने पे। भाई मत करो ये काम, ये इन कामों से कोई फ़ायदा नहीं है भाई, ये बदतमीजी वाले काम है भाई। देखो ऐसी बोतलें उधर पड़ी हैं, है ये कोई मतलब है भाई? भाई साफ रखा करो यार, अगर तुम साफ रखोगे देखोगे तो तभी तो मज़ा आएगा। क्यों खूबसूरती खराब करते हो यार? एम साइज आता है तो भाई के लिए एम साइज टी शर्ट निकालेंगे, मैंने बोला था भाई सरप्राइज है लोगों के लिए, तो इतना तो बनता है भाई। हम आ चुके हैं कुरुक्षेत्र, और हमारा मूर्थल के बाद हम गए थे करनाल, करनाल के बाद अब हम आए हैं कुरुक्षेत्र, उसके बाद जाएंगे अम्बाला। तो भाई यहाँ पे हम आए हैं मंदिर, ठीक है, बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पे, मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा इसका, ये देखने में ना भाई अमेजिंग श्रद्धा है भाई। आओ भाई आप लोग आओ, बहुत अच्छा प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस है। अभी मैं देख लेता हूँ पार्किंग की जगह कहाँ पे है यहाँ पे, देखो मंदिर का लुक तो यहाँ से है, लेकिन ये जो जहाँ पे सिचुएटेड है ना वो जगह ही बिल्कुल अलग है।
ऐसा नहीं है कि मतलब नॉर्मल जगह पे आप देख सकते हो मैप, चारों तरफ पानी है और बीच में मंदिर है। तो यहाँ से रास्ता है, ये शायद मेन एंट्रेंस। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं पार्किंग कहाँ पे, इसका नाम है ब्रह्मा सरोवर है ये मंदिर का नाम। तो हम यहाँ पे देखते हैं भाई गाड़ी कहाँ पे पार्क होगी, उसके बाद आपको अंदर ले आएंगे। तो गाइज हम आ चुके हैं अंदर, और भाई यहाँ पे देख लो निकासी की अलग ही लेवल की हुई हुई है। ठीक है, ये दूसरा नंबर, पहला नंबर उधर है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये मतलब नीचे के जो कंपार्टमेंट्स हैं वो हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अग्नि यज्ञ हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे को पता नहीं भाई, आप लोगों को पता हो तो बताना, क्योंकि मेरे को इतना नॉलेज है नहीं, बट आई विल गेन। और यहाँ पे लिखा हुआ है डोनेशन बाय द सेज, और आगे वो इरेज हुआ हुआ है। तो भाई आप बताना मेरे को, इतना तो मैं पता है गदा हाथ में, शायद वो रावण है, रावण नहीं है, बताना भाई मेरे को पता नहीं यार, मैं गलत बोल के ना अपने ऊपर गुनाह लेने नहीं चाहता, तो आप मेरे को बताना। और भाई इधर का व्यू देख लो, सरोवर महादेवी, महादेव जी, हिंदी मेरी कमज़ोर है। तो भाई ये देखो व्यू, कितना क्लासी व्यू है। और यहाँ पे बच्चे लोग नहा रहे हैं, आप ये देखो, अभी मैं ड्रोन से शॉट लूँगा ना तो वो अलग ही लेवल का आएगा। तो मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और आप ड्रोन के व्यूज़ का मज़ा लो, ठीक है। तो गाइस ये व्यू चेक करो आप यार, बिल्कुल बीच में सिचुएटेड है जिस तरीके से आप देख रहे हो। और इसका एक बार हम स्लो मो में आपको सही तरीके से दिखाएंगे कि अलग ही, बिल्कुल यार देख रहे हो, ऐसा व्यू शायद ही किसी ने आपको दिखाया होगा। ऑब्स्टिकल्स वहाँ पे आ रहे हैं, मेरा ड्रोन बोल रहा है भाई। तो भाई आप व्यू चेक करो यार, इतना अमेजिंग व्यू आ रहा है, ठीक है भाई। बताना भाई, बहुत मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है हर चीज़ में भाई, बहुत ही अलग व्यू है। और एक बार ना आपको मतलब थोड़ा हाइट लेके ना यहाँ का पूरा गेस्चर दिखा दूंगा, यहाँ पे अलग ही लेवल है बिल्कुल। भाई बहुत ही मतलब अमेजिंग तरीके से आ रहा है भाई, आयाना तो पूरी तरीके से सीख गया है, एक ड्रोन खोने के बाद वो सीख गया अच्छे तरीके से किस तरीके से ड्रोन उड़ाया जाता है। और एक बार हम सेंटर में लेके जाएंगे ड्रोन अपना, एक बार आयान सेंटर में ड्रोन लेके जाओ, और इसको ना बिल्कुल पूरा ऊपर से ऊपर वाला व्यू लो, बिल्कुल नीचे करके ना। तो गाइस ये देखो आप, मतलब कि पूरा व्यू आएगा इसमें, हम पूरा सर्कल व्यू लेंगे इसका, और एक बार इसके कैमरे का हम मूव वैसा करेंगे और उस तरीके से लेंगे फिर। अभी भी पूरी तरीके से आ नहीं पा रहा है, मतलब हाइट इसको ज़्यादा चाहिए। तो अभी हम मतलब एक जगह स्टेबल करेंगे, कैमरे का मूव करेंगे आगे, और फिर देखेंगे किस तरीके से आएगा भैया। तो गाइज व्यू चेक करो यहाँ से आप, कि यहाँ पे बिल्कुल अलग ही है भाई, किस तरीके से है, यहाँ पे पार्क भी है, सब कुछ है। और आप एक बार मैं आपको लेफ़्ट में दिखा देता हूँ, यहीं से लेफ़्ट दिखा दो एक बार पूरा, यहाँ पे कितना बड़ा है ये पूरा एरिया है इसका। और आप राइट दिखा देता हूँ मैं पूरा, इसी स्टेबल पोजिशन पर ये राइट साइड है भाई, बहुत बड़ा है, और उधर भी एक मंदिर है शायद। और अब हम सीधे इसको लेकर आएंगे वहाँ से जिस पोजीशन में है अभी, भाई अलग ही व्यू आ रहा है। तो यहाँ से अब हम सीधा इसको बुलाएंगे अपने पास ड्रोन को, और नीचे से थोड़ा नीचे करेंगे इसका कैमरे का एंगल हम, तो यहाँ पे सब कुछ दिखाते हुए। यह भाई बहुत बड़ा है मंदिर है भाई, बहुत बड़ा मंदिर है, देख रहे हो। तो गाइज आप एंजॉय करो, ठीक है, पूरा मैंने आपको मंदिर वगैरह सब कुछ दिखा दिया। आओ भाई यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, ठीक है, कुरुक्षेत्र में है, लोकेशन में मेंशन कर दूंगा नीचे, ठीक है,
और मैं बता भी दूंगा ये कौन सा मंदिर है। तो गाइस हम आ चुके हैं अंबाला, और अंबाला में हमें जहाँ पे आना था रानी का तालाब, प्राचीन शिव मंदिर और रानी का तालाब जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑलरेडी मेंशन है। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ें कवर करेंगे और उसके बाद जाएंगे गुरुद्वारा। और यहाँ पे देख लो यार बहुत अच्छी ग्रीनरी है, ठीक है, एकदम फ्रेश एयर। और देखते हैं वहाँ पे जाके भाई ये गाड़ी के पार्किंग वगैरह का क्या हिसाब है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नमाज, क्योंकि नमाज का हो गया वक्त, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे अंदर, वहाँ पे गाड़ी खड़ी होने की जगह है शायद, सामने दिख रही है, तो वहाँ पे हम गाड़ी पार्क करके अपनी नमाज पढ़ के फिर हम अंदर जाएंगे। तो आपको मैं दिखाता हूँ पूरा अंदर किस तरीके से भाई। तो आप आओ अंबाला, आओ घूमो भाई, देखो यहाँ पे भाई इंडिया बहुत खूबसूरत है भाई, इंडिया बहुत खूबसूरत है। जंगली निकला है वो, जंगली पिग निकला है भाई अभी बिल्कुल जस्ट सामने से। तो हम यहाँ लगाते हैं अपनी गाड़ी। प्राचीन शिव मंदिर है उधर की तरफ आप देख सकते हैं। अब हम पहले पढ़ लें नमाज, उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया चालू करेंगे। तो गाइस हम आ चुके हैं मंदिर के पास। जो मंदिर की टाइमिंग है वो ये है, सुबह 4 से 11 और शाम को 11 से 8। और इसकी कुछ बातें हैं भाई, ये कि प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक, और ये अंबाला छावनी में है जो कि आर्मी के अंडर आता है, ठीक है। और इसकी कुछ बातें ये लिखी हुई हैं जो आपको फॉलो करनी है अगर आप इस मंदिर में आते हैं। हम अंदर जाएंगे नहीं, क्योंकि यह है कि इसमें साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई बातचीत करना मना है अंदर। अभी मैंने यहाँ पे देखा था लिखा हुआ थोड़ा डाले, मंदिर परिसर में शांति बनाए रखें। तो भाई इस वजह से मैं अंदर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं बोलूँगा तो भाई इस चीज़ से मतलब यही होगा कि मैं अपमान कर रहा हूँ किसी धर्म का, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा भाई। मैं बाहर से बनाऊँगा वीडियो, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कितना साफ है, ठीक है भाई, कितनी क्लीन। आर्मी के अंदर आता है तो कितना क्लीन है। वहाँ पे गौ माता बछड़ा दूध पीते हुए वो मेन मंदिर है, ठीक है। और ये मंदिर है छोटा वाला, और यहाँ से अंदर जाने का और रास्ता है, और इधर जाके आता है रानी का तालाब। तो हम उधर तालाब की तरफ जाएंगे, क्योंकि अभी हमने मतलब यहाँ पे पूछा लोगों से कि ये रानी का तालाब का क्या सिलसिला है। तो ये बहुत पुराने टाइम पे जो रानी राजा होते थे, तो यहाँ से अंडरग्राउंड एक गुफा थी जो कि सीधे राजा के तालाब के पास निकलती थी। तो उधर एक राजा का तालाब है, इधर रानी का तालाब है। तो जब रानी को आना होता था तो अंडरग्राउंड जाती थी, और जब राजा को आना होता था वो अंडरग्राउंड आता था। तो इस तरीके से वो दोनों इधर से उधर होते थे जाने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी सी क्लिप्स रानी के मंदिर की। तो वहाँ पे शिव जी का वो है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैं देखता हूँ जाके अंदर की तरफ। तो गाइस ये है शिव जी, ये शिव जी हैं, और भाई जो बोल रहे आज मोर बोल रहे हैं भाई, देखो कितनी खूबसूरती है यहाँ पे। मैं अभी पूछता हूँ कि शायद रानी का तालाब ही है ये, इसमें पानी ख़त्म हो गया, ये आर्टिफिशियल चल रहा है अभी क्योंकि पूरा आर्मी के अंडर आता है। तो ये हो गया हमारा रानी का तालाब। अभी और देखते हैं, किसी से पूछते हैं कि इधर कहाँ पे है रानी का तालाब, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ से, यार ये प्रवेश द्वार है जहाँ से एंट्री होती है, चप्पल बाहर उतारने हैं भाई। तो हम अंदर शूट नहीं करेंगे, सीधे जाएंगे रानी के उसमें तालाब पे। अभी मैं अंदर एंट्री करूँगा यहाँ से। तो गाइस मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं अंदर आ गया, देखो कितनी खूबसूरती है। तो हम अंदर जाके देखते हैं रानी का तालाब। तो गाइस ये रानी का तालाब है, ठीक है, और बाहर लिखा हुआ था मैंने देखा अभी, तो ऐसा होता था रानी का तालाब पहले। हम इधर से जाते हैं, देखो भाई कितना खूबसूरत है माशाल्लाह, फाउंटेन कितना प्यारा है।
तो भाई अब हम सीधे चलते हैं गुरुद्वारे की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी 8 बजने वाले हैं। ठीक है, इसका टाइमिंग भी 8 बजे तक का है। तो अब सीधे हम चलेंगे गुरुद्वारा, गुरुद्वारे से हम पूछेंगे सीधे चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में करेंगे स्टे, स्टे के बाद हम कल करेंगे अपना चंडीगढ़ कवर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट टू हम हरियाणा कंप्लीट कर चुके हैं पूरा, बस अब हमें जाना है गुरुद्वारा। तो गाइस हम आ चुके हैं पंजोखरा गुरुद्वारा साहिब। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे हम व्लॉग शूट छोटा सा। और भाई अच्छी जगह है, बट थोड़ा कंजेस्टेड है एरिया जो है वो, थोड़ा कंजेस्टेड है। बट हम चलते हैं अंदर की तरफ, देखेंगे चल के। और सिर पे मुझे कब वो बांधना है अभी, जैसे भाई ने बांध रखा है रुमाल, कि भाई मैं जब भी जाता हूँ गुरुद्वारा तो भाई बांध के जाता हूँ ऊपर सर पे। ये मैंडेट भी है कि आप गुरुद्वारे में जाते हो तो सर पे आपके बंधा होना चाहिए। तो हम जाएंगे अंदर, बांधेंगे, फिर जाएंगे। तो भाई जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है ना भाई, वो ये लगती है कि आप कितने भी बड़े हो तो आप यू हैव टू बी डाउन टू अर्थ। तो भैया देखो किस तरीके से पानी पिला रहे हैं, भाई ये सवाब का काम रहता है हमेशा से। और ये आपको इतना चप्पल भी साफ़ करते हैं भाई, मतलब ये चीज़ आपको दिखाती है कि आपको हमेशा हम्बल रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है भाई, डिवोटेड टूवर्ड्स योर रिलीजन। तो भाई ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है। अब हम थोड़ा सा अंदर चलेंगे, ये आपको गुरुद्वारा दिखा देता हूँ भाई, मैं चारों तरफ से, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है ये। अब हम अंदर चलेंगे और उसके बाद हम सीधे निकलेंगे चंडीगढ़। तो भाई हम आ चुके हैं अंदर, और आप देख लो कितना बड़ा बन रहा है, अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो भाई ये देखो आप, चंडीगढ़ और व्लॉग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है आज का, क्योंकि हरियाणा हमने कंप्लीट कर दिया है। जो जो मेन मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको व्लॉग में दिखा दी हैं। आओ भाई, ये थोड़ा सा मज़े के लिए मैंने ऐसी लैंग्वेज यूज़ की है अपनी, थोड़ी देसी वाली, जो भाई भाई हम जब करते हैं ना, जब मज़े लेते हैं तो हम यही लैंग्वेज यूज़ करते हैं कभी कभार। ठीक है, बट उसकी तरफ मत जाना, मैं थोड़ा सा वैसे फनी वे में यूज़ कर रहा था उस चीज़ को। ठीक है, आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो भाई, और किस जगह पे आना है, कौन सी जगह पे क्या फेमस चीज़ है प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताओ, तो मैं वहाँ जाके विजिट करूँ और आपको दिखाऊँ वो चीज़ें जो यार है एक्चुअल में इंडिया लगता है इट इज़ समथिंग डिफरेंट। तो भाई आप मेरे को बताओ क्या करना चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी जगह जाना चाहिए। मेरा कल रूट है पूरा चंडीगढ़, तो आप मेरे को बताओ कमेंट में मेरे को बता दो, क्योंकि मैं सुबह ही ब्लॉग अपलोड कर दूंगा, तो मैं जब देखूंगा उसको तो मेरे को पता चल जाएगा। तो इंशाल्लाह भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा अच्छी चीज़ें डिलीवर करने की। जल्दी से मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।